और बेटा भी गया, अब बहू भी गई, अब मैं कैसी रहूं, मैं कैसा करूं, क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। दूसरा कौन सा जॉब करने के लिए बहुत पढ़े बिड़े करना पड़ेगा, उसका खर्चा बहुत होगा, इसलिए बैंक में जॉब करेगा। आज आपने ऐसा दम दिखा दिया है, ऐसी ताकत दिखा दी है, मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। गुरूर इंतहा से ज्यादा कौम परस्ती और ब्यूरोक्रेसी की नाकामी ने मिलकर इंडिया में एक नए बहरान को जन्म दिया, जहां अवाम और जलसों के दिलरादा वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद तो मजे में हैं, मगर अवाम का सही मायनों में दम घुट रहा है। आप देख रहे हैं दिनों और मैं हूं जुबारिया रहमान। नाजरीन, इंडिया में लोग जिंदा रहने के लिए हार पैर मार रहे हैं, यहाँ तक कि वो अपनी जिंदगी का आखिरी सरमाया तक बेचने पर मजबूर हैं। आजम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक तहकीक के मुताबिक कारोबारी बंदिश और नौकरियों के ज्या ने पिछले साल 230 मिलियन से ज्यादा हिंदुस्तानियों को गुर्बत में धकेल दिया। बहुत से लोगों को किराया, स्कूल की फीस और अस्पताल के बिल अदा करने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बहुत से खानदान और छोटे कारोबारी हजरात नकद रकम हासिल करने के लिए और कर्जों से जान छुड़वाने के लिए सोने के जेवरात गिरवी रखवा रहे हैं। सेंट्रल बैंक के इदादो शुमार के मुताबिक बैंकों ने 2021 के पहले 8 महीनों में 471 ट्रिलियन रुपए के सोने के जेवरात के बदले कर्जे तकसीम किए। नाजरीन, हिंदुस्तान में सोने की बेपनाह माली और सकाफती अहमियत है। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलर डोमेस्टिक काउंसिल के डायरेक्टर दिनेश जीन ने कहा, ये औरत या किसी भी घर के लिए वाहिद समाजी तहफ्फुज है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई समाजी तहफ्फुज प्रोग्राम नहीं है। 63 साल कुमार जैन, जिनका खानदान 106 सालों से मुंबई के तारीखी जवेरी बाजार में दुकान चला रहा है, उनका कहना है कि उन्होंने कभी भी इतने लोगों को सोना फरोख करते नहीं देखा, वबाई मर्ज से पहले ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा, दुख की बात तो ये है कि वो अपना मंगलसूत्र बेचने पर मजबूर हैं। नाज़रीन, भारत में मंगलसूत्र शादीशुदा औरत की निशानी है, उनका कहना है ऐसे वक्त में रोना आता है जब वो गर्दन से मंगलसूत्र उतार कर कहती हैं, मुझे इसके बदले पैसे दे दो। ये निहायत बदतरीन मंजर है।